दोस्तों, मेडीस्टफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सागर कुमार आपके लिए नीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। तो आपको इसमें नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपको काउंसलिंग तक बताई जाएगी सारी डिटेल्स। और स्टार्ट करते हैं हम आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज जो है वो 2 दिसंबर 2019 को होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो आपका 31 दिसंबर 2019 तक रहेगा। आप 31 दिसंबर 2019 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कुछ गलती हो गई है, करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन जो है वो 3rd week of January 2020 से स्टार्ट होगी और करेक्शन बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगी विद इन 1 week। लास्ट डे ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक ही रहेगा। नीट का एडमिट कार्ड जो है वो फाइनली 27 मार्च 2020 को रिलीज हो जाएगा। नीट का एग्ज़ाम जो अब आएगा आपका नीट का एग्ज़ाम जो कि आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर। तो नीट का एग्ज़ाम जो है वो 3rd May 2020 को होगा। तो नीट और आंसर की जो है वो 2nd week of May 2020 को रिलीज हो जाएगी नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड रिजल्ट की अनाउंसमेंट जो है वो 4th June को होगी और काउंसलिंग डेट जो है वो 2nd week of June में स्टार्ट कर दिया जाएगा काउंसलिंग। और आपको नीट के बारे में बताता हूँ फ़ी कितनी लगेगी। इस बार फी में GST भी इंक्लूड किया जाएगा। जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 1400 फी रहेंगी एंड SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए 750 रहेंगी। और उसके बाद अब आते हैं आपको नेशनलिटी के बारे में, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इंडियन नेशन होना चाहिए या फिर NRIs भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशन सिटीजन्स कैन आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई नीट। एंड एलिजिबिलिटी फॉर 50% ऑल इंडिया कोटा, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं वो 15% ऑल इंडिया कोटा में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 17 ईयर होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2020 से पहले। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 12th लेवल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। एंड मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश जो है वो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। आते हैं परसेंटेज के बारे में, तो परसेंटेज कितने परसेंट मार्क्स चाहिए नीट में अपियर होने के लिए। तो 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 45% मार्क्स फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड 40% मार्क्स फॉर SC ST एंड OBCs। और अपियरिंग होने के लिए आप तो जानते ही होंगे रिजर्वेशन के बारे में। तो कैटेगरी का रिजर्वेशन भी होता है SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% एंड PWD के लिए 5% रिजर्वेशन। एंड आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इस बार जिपमर और एम्स कोई भी अलग एग्ज़ाम नहीं होगा। इस बार सिंगल नीट के थ्रू ही सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी आपको। और पॉइंट्स, अब आपको ड्रेस कोड के बारे में बताते हैं। ड्रेस कोड आपको क्या पहन के जाना होगा नीट एग्ज़ाम देने, तो आप जनरली जो है वो हाफ स्लीव्स शर्ट पहन के जाएं या फिर टी शर्ट पहन के जाएं, बेटर होगा आप टी शर्ट पहन के जाएं या फिर वैसे शर्ट बिल्कुल ना पहन के जाएं जिसमें बड़े बड़े बटन हो। और आप अच्छा होगा ट्राउज़र में जाएं और जींस वगैरह प्रीफर ना करें क्योंकि जींस में बड़े बटन होते हैं। और शूज़ बिल्कुल ना पहने, स्लीपर्स में जाएं या फिर सैंडल्स में जाएं। एंड लड़कियों के लिए एक पॉइंट मैं इम्पॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगा, लड़कियाँ प्लीज़ अपने ऑर्नामेंट्स उतार के जाएं सारे। और आप लड़कियों के लिए बेटर ड्रेस कोड होगा सलवार सूट में जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो फ्रेंड आपको जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें
और जैसा कि आपको पता होगा MCI डिसॉल्व हो चुका है एंड न्यू नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग बोर्ड जो है वो अभी अभी आया है जो कि NBE एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा उसका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन. हमारा अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा. ओके, थैंक यू.